नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कह गर्ग गिरफ्तार किए जाने वाले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें अगले हफ्ते 30 अगस्त से 6 सितंबर को रायगढ़ में पेश होने को कहा गया है। पहले कोर्ट ने राणे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। रत्नागिरी कोर्ट के अग्रिम जमानत खारिज होने से और बॉम्बे हाई कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिलने के बाद पुलिस ने नारायण राणे को हिरासत में ले लिया और फिर कुछ देर बाद शाम 5 बजे के करीब उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके बाद नारायण राणे को महाड मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया और रात करीब 11:30 बजे उन्हें जमानत दे दी गई। राणे के 15,000 रुपए की जमानत मुचलका भरने और 30 अगस्त और 6 सितंबर से रायगढ़ में पेश होने को कहा गया है। मामले की सुनवाई जज शेख बाबसो एस पाटिल ने की। अदालत ने नारायण राणे को ऐसा कोई अपराध नहीं करने का निर्देश देते हुए पुलिस को केंद्रीय मंत्री की आवाज के नमूने एकत्र करने से पहले 7 दिन का नोटिस देने की भी कहा है। भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने बयानों से एक बार फिर चर्चा में है। उन्होंने महंगाई को कांग्रेस की मानसिकता और प्रोपेगेंडे बताया है। प्रज्ञा ने कहा कि महंगाई और कुछ नहीं बल्कि कांग्रेस का दुष्प्रचार है। ये लोग सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं कि डिजिटल महंगा, पेट्रोल महंगा, यह महंगाई और कुछ नहीं है, यह कांग्रेसियों की मानसिकता है, फोकट का प्रोपेगेंडा है। ठाकुर भोपाल नगर निगम द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल तौर पर एक पंप हाउस का लोकार्पण किया और बीएमसी के स्वामित्व वाली कंपनी की नई सिटी बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ठाकुर ने प्रदूषण को घातक बताते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में शहरों में सार्वजनिक परिवहन के रूप में पुराने वाहन चलाए जाते थे। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामले चिंता का विषय बने हुए हैं। वहीं अब कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट के 27 नए मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। बता दें, राज्य स्वास्थ्य विभाग की जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब तक कुल 103 डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले दर्ज हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बीते सोमवार को 27 डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले दर्ज हुए हैं। ये मामले गढ़चिरौली, अमरावती में 6-6 की संख्या में, नागपुर में 5, अहमदनगर में 4, यवतमाल में 3, नासिक में 2 और भंडारा जिले से दर्ज हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीते कई दिनों से कोरोना मामलों में तेजी देखी जा रही है। वहीं अब डेल्टा प्लस के इन मामलों ने प्रदेश भर में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। देश में आगामी जन्माष्टमी गणोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। गुजरात सरकार ने भी त्योहारों को लेकर गाइडलाइंस बना लिए हैं। इस बार त्योहारों के दौरान लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। गुजरात सरकार ने राज्य में आगामी जन्माष्टमी और गणोत्सव के उत्सव के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। राज्य सरकार ने जन्माष्टमी और गणोत्सव को दौरान प्रमुख शहरों में रात के दौरान कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। आगामी प्रमुख त्योहारों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश बनाने के लिए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में एक कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई। जन्माष्टमी के अवसर पर रात्रि कर्फ्यू मध्यरात्रि से प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों में रात के 1 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान मंदिर परिसर में 200 से अधिक दर्शनार्थियों की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री ऑफिस से इस बारे में जानकारी मिली। आपको बता दें कि गणेश उत्सव और जन्माष्टमी को देखते हुए काफी व्यवस्था की जा रही है, जिसमें कर्फ्यू लगाने की बात की जा रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आगामी प्रमुख त्योहारों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश बनाने के लिए मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अध्यक्षता में एक कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई है। जन्माष्टमी के अवसर पर रात्रि कर्फ्यू मध्यरात्रि से 8 प्रमुख शहरों में रात के 1 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान मंदिर परिसर में 200 से अधिक दर्शनार्थियों की अनुमति नहीं होगी। मुख्यमंत्री ऑफिस से इस बारे में जानकारी दी गई। देश भर के अलग अलग हिस्सों में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। राष्ट्रीय राजधानी में हल्की सी मध्यम बारिश होने का अनुमान है। राजस्थान के अनेक इलाकों में मानसून की बारिश हो रही है। बीते दिन सर्वाधिक बारिश अलवर के थानागाजी में 72
मिलीमीटर दर्ज की गई। 29 अगस्त से एक नया सिस्टम बनाया जिससे राज्य में एक बार दोबारा बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। सितंबर से पहले सप्ताह में भी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुए मानसून ने पश्चिम हिस्सों में कई इलाकों को भिगोया। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीते दो दिनों से बारिश हो रही है। इस दौरान बड़ौत में सबसे ज्यादा 11 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। बारिश का यह सिलसिला 25 अगस्त तक जारी रहने का अनुमान है। पूर्वी हिस्सों में अनेक इलाकों में एक और पश्चिमी भागों में कुछ जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी न्यूनतम तापमान में कुछ डिग्री की बढ़त देखी गई है और यह 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिल्ली में सुबह सापेक्षिक आर्द्रता 79% रही है। आपको बता दें कि बारिश को लेकर दोबारा बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। देश भर में अलग अलग हिस्सों में मानसूनी बारिश का दौर जारी है जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में बीते दो दिनों से बारिश हो रही है। इस दौरान बड़ौत में सबसे ज्यादा 11 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। बारिश का यह सिलसिला 25 अगस्त तक जारी रहने का अनुमान है। पूर्वी हिस्से में अनेक इलाकों में पश्चिमी भागों में कुछ जगहों पर बारिश होने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान में कुछ डिग्री की बढ़त देखी गई है जो कि 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को मैनपुरी के छाछा भोगावा रोड स्थित भाजपा गैंग कार्यालय में एक शोक सभा का आयोजन कर कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी, जिसमें सभी ने दो मिनट का मौन धारण कर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के निधन से हम एक ऐसा विराट व्यक्तित्व खो दिया जिसने अपने राजनीतिक कौशल और प्रशासकीय अनुभव से राष्ट्रीय स्तर पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके जाना संगठन और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने कहा कि वे भाजपा के कद्वार नेता थे, पिछड़े वर्गों को पार्टी से जोड़ने में उनका अहम योगदान था। माननीय कल्याण सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे, पार्टी के कार्यकर्ता, प्रदेश की जनता, देश की जनता इससे बहुत आहत है, दुखी है, क्योंकि वो किसान नेता भी थे, जन नेता भी थे, राम भक्त भी थे, प्रखर हिंदुत्ववादी नेता भी थे, कुशल प्रशासक भी थे और जन जन के प्रिय थे। आज हमारे बीच में नहीं है, हम सब दुखी हैं, गमगीन हैं और उनके श्रद्धा, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके पदचिन्हों पर हम चलेंगे। इसका मैनपुरी में बीजेपी के पूर्व विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी देता युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। यहाँ का अपने को भाजपा का नेता योगेश चौहान बताता है, जबकि भाजपा के जिला अध्यक्ष और लोगों के द्वारा बताया गया है कि इस टाइप का कोई न सदस्य है और न कोई पार्टी से संबंध है। उसके द्वारा यहाँ के पूर्व MLA साहब को जो है गाली गलौज और कुछ अपशब्द की बात जो है वीडियो में वायरल हुई थी, उस आधार पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध। इससे दो तीन दिन पहले बिजली विभाग के साथ हुई इस व्यक्ति ने बिजली विभाग के JE और अन्य टीम के साथ किया था, उस पर भी दर्ज है। खबर मैनपुरी से है जहां पर जान से मारने की धमकी मिली है। हम आपको बता दें कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वहीं इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां सुल्तानपुर में आज स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो गई। आरोप है कि डिलीवरी के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई और उसे ऑक्सीजन का खाली सिलेंडर लगा दिया गया, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। वहीं महिला की मौत से नाराज परिजनों ने अस्पताल में ही हंगामा शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह समझा बुझा कर मामले को शांत करवाया। फिलहाल इस मामले में अस्पताल का कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। सिद्धार्थनगर जनपद में मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण वंचित है। बता दें कि बरसात की वजह से गांव की सड़कों पर गड्ढा हो गया। वहीं पानी की निकासी के लिए बनाए गए नाले की सफाई भी नहीं कराई गई, जिसकी वजह से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। वहीं इस वजह से ही गांव की सड़क भी टूट गई है और गांव से निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि समस्या 20 सालों से है और कई बार शिकायत के बाद भी निराकरण कराए जाने को लेकर जिम्मेदार गंभीर नहीं है। अब सर समस्या यही है कि आज 20 साल के पहले से जो है खरंजा लगा रहा, अब वो सब टूट टाट के ध्वस्त हो गया है। बरखा जब आवत है तो जो है पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, आए जाए में बहुत दिक्कत होता है, गाड़ी घोड़ा घिरराग ले जाए पड़ता है, लड़कन के भी परेशानी बाहर भीतर का हो जाता है। हला ओकरे लिए गढ़ा रहा, लेकिन निकास है, लेकिन आगे चल के जो है वो पड़ गया है, उसको जरवाने के लिए कोई नहीं सुन रहा। नहीं, ग्राम पंचायत ये आपका बड़पुर सात पड़ेगा, तो उसको मैं दिखवा रहा हूँ, एडीओ पंचायत को जांच के लिए मैं भेजा भी हूँ, उसको रहता है जांच। आके आने के बाद क्या क्या वहाँ पे दिक्कतें हैं वो देखी जाएंगी, बाकी उसका काम कराया जाएगा। जो भी आपकी समस्या है, नाली का है या खड़ंजा इंटरलॉकिंग, जो भी आपकी वहाँ गाँव वालों को दिक्कत है, वो सारे काम कराए जाएंगे यहाँ। आपको बता दें कि बरसात की वजह से गांव की सड़कों पर गड्ढा हो गया है। वहीं पानी के निकासी के लिए बनाए गए नाले की साफ सफाई भी नहीं कराई गई, जिसकी वजह से गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। वहीं इस वजह से ही गांव की सड़क भी टूट गई है और गांव से निकलना मुश्किल हो गया है। ग्रामीणों की समस्या 20 सालों से है, कई बार शिकायत के बाद भी निराकरण कराए जाने को लेकर जिम्मेदार गंभीर नहीं है। आगरा के थाना ताजगंज के कहरई स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान में नकली और जहरीली शराब बेचने का आरोप लगाते हुए लोगों ने जमकर हंगामा किया। दुकानदार पर नकली शराब बेचने का आरोप लगाया गया है। सीलबंद में भी मिलावट करने का आरोप लगाया है। वहीं जहरीली शराब से आगरा में अब तक 8 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं लोगों के हंगामे के बाद पुलिस के साथ आबकारी निरीक्षक भी मौके पर पहुंचे। आबकारी निरीक्षक ने जांच के लिए दुकान से शराब के सैंपल लिए और आगे की कार्रवाई में जुट गए हैं। मैं एक प्रश्न ये करना चाहता हूँ आबकारी विभाग के द्वारा या आबकारी विभाग से, जैसे कि उन लोगों ने अपना मानक तय कर रखा है बारकोड, मान लिया जाए अगर बारकोड सही है और बारकोड सही है यानी कि फॉर सेल इन उत्तर प्रदेश ओनली, उसके बावजूद अगर शराब में मिलावट है, अगर यहाँ से कोई व्यक्ति शराब खरीद के ले जाएगा तो उसको पिएगा, पीने के बाद का उसका साइड इफेक्ट आएगा, उसके बाद बोलेगा शराब में मिलावट है, उस लोग को आबकारी विभाग के नहीं मानना है। ये दुकान चेकिंग क्रम में निकले गए थे हम लोग, रूटीन चेकिंग था, इस क्रम में यहाँ भी आए हैं और क्षेत्रीय आबकारी इंस्पेक्टर महोदय है, मैं फतेहाबाद आबकारी इंस्पेक्टर हूँ। हम लोगों ने दुकान को चेक किया है, यहाँ पर कुछ लोगों ने इस ढंग की आशंका व्यक्त की है कि यहाँ पर कुछ शराब गलत है या मतलब सही शराब नहीं है, उसका सैंपल ले लिया गया है जिसको परीक्षण करने के बाद उसको देख लिया। जालौन एक्ट थाना क्षेत्र के ग्राम दुधवा खुर्ग में बादशाह ने बुजुर्ग किसान को गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि किसान खेत की रखवाली करने गया था, जिसके बाद गांव के ही एक युवक ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं इस घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो गया। इस घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों को हुई, परिवार में कोहराम मच गया। वहीं हत्या की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घटना के बारे में जो हमको जानकारी हुई है कि इससे पहले उसने एक यहाँ के लोकल आदमी का मर्डर किया, इनका एड्रेस जानने के लिए कि आप रात में इनका गेट खुलवाइए, तो हम इनको
टारगेट इनको किया था। क्या नाम है इनका? इनका ये किशोरी लाल, किशोरी लाल को टारगेट किया था और इनके बच्चों को भी टारगेट किया था। वो क्यों टारगेट किया था? अब ये मैटर इनका वो पता नहीं है मुझे ठीक से, लेकिन कुछ जमीनी विवाद है, मतलब उतना एग्जैक्ट नहीं है लेकिन जमीनी विवाद है, कुछ लेन देन है कुछ ऐसा। इतना बड़ा मैटर नहीं है कि आप गोली मार दो किसी। जी ये थाना 8 के गाँव धगवा खुद हरदोई गुजर के आगे का गाँव है, वहाँ की घटना है। सवेरे करीब 8-9 के बीच की घटना है। ये मारने ये केश कुमार सनाप लक्ष्मी प्रसाद, ये सिवान में खेत है। बताया ये जा रहा है जो प्राथमिक जांच पड़ताल में कि इसका बटाई पे खेत लिया था और जो फसल पैदा किया, फसल में कुछ हुआ नहीं तो ये पैसे मांगा, तो कहा पैसे हम दूसरी फसल उगा के देंगे। इस तरह विवाद हुआ और इस विवाद में इसने वृद्ध को गोली मार दी, किशोरी कुशवाहा। अलीगढ़ में उस समय हड़कंप मच गया जब एक सिरफिरे युवक जीआरपी थाना इलाके में स्थित रेलवे मीनाक्षी ओवरब्रिज के पिलर पर आत्महत्या करने के इरादे से पिलर पर नशे की हालत में जाकर सो गया। जब इसकी सूचना राहगीरों से जीआरपी को दी गई तो हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची जीआरपी और फायर सर्विस की टीम ने रेलवे लाइन की बिजली काट कर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर ओवरब्रिज के पुल पर चढ़े युवक को सुरक्षित उतारा गया। वहीं नशे की हालत में पुल पर चढ़े युवक ने बताया कि घर की परेशानियों की वजह से वे ऊपर चढ़ गया था। सूचना मिली कि पुल में एक लड़का लटका हुआ, एक आदमी, जब हम लोग भाग के आए मौके पर देखे तो ये आराम से सो रहा था ऊपर, और लगा कि ये नशे में ही है और किसी तरह से इसको खबर नहीं थी कैसे आगे उस पर। और इसके बाद हम लोगों ने अब इसकी जान बचाने के प्रयास किए तो ये जो ओएचई को फ़ोन किया गया, यहाँ के रेलवे स्टाफ को, उनके जो इंजन आया लाइट इंजन, और उसके बाद फायर सर्विस को कॉल किया गया, वो लोग भी आए सब लोग, और इसको जो है सभी लाइट कटवा के यहाँ से सभी। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।